मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा में वार्ड क्रमांक 144 में नगर सेविका चषक 2020 अंडर आर्म्स बॉक्स क्रिकेट मैच का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं ने जमकर भाग लिया। वहीं इस क्रिकेट मैच का आयोजन वार्ड 144 के अध्यक्ष जगजीवन मोहन पाटिल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अणुशक्ति नगर विधानसभा के अध्यक्ष बबलू पांचाल के शुभ हाथों से उद्घाटन किया गया। भारतीय जनता पार्टी क्रिकेट का आयोजन, ये अंडरम क्रिकेट हमारे यंग पीढ़ी को जो मोबाइल में फंसे हुए हैं पबजी विबजी के, इसमें उनके लिए अच्छा गेम क्रिकेट मैच का जो गेम है। और हमारे जो कैंप भराने के बाद वार्ड अध्यक्ष जगजीवन पाटिल, इनका वार्ड दिवस है, और सब हमारे क्रिकेट यहाँ के भाजपा के सब पदाधिकारी इन्होंने मिल के बड़े उत्साह लोगों का प्रतिशत क्रिकेट रसियों का बहुत क्रिकेट रसियों का प्रतिशत बहुत अच्छा है। और ये भारी मात्रा में बड़ी संख्या में लोग देखने आए। महिला दिवस है, महिला जागतिक दिन है आज। महिला दिन के ऊपर महिलाओं का भी सुबह बेरोजगार रोजगार के लिए, महिलाओं के उद्योग के लिए सुबह प्रोग्राम हुआ। महिलाओं का भी प्रतिशत बहुत अच्छा है, उन्होंने आज अच्छा प्रोग्राम लिया था। सुबह भी हो गया है प्रोग्राम, अभी मैच का टूर्नामेंट का फाइनल का प्रोग्राम है, वो भी आज अच्छे से होगा और लोगों का प्रतिशत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 144 में हर साल ये नगर सेविका चषक होता है। इस बार मेरा जन्मदिन के अवसर पर हमने ये प्रोग्राम रखा है। ये प्रोग्राम इसके लिए कि जन्मदिन का एक मौका था, लेकिन तीन दिन हमने लगातार तीनों प्रोग्राम अच्छी तरह से हमारे हो गए। पहले दिन कल हमने रोजगार मेला रखा था जो बेरोजगार युवकों के लिए, हमारे वार्ड अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष बबलू पांचा जी के नेतृत्व में हमने वार्ड में हमारे जो बेरोजगार युवक युवती है उनके लिए एक रोजगार मेला रखा था। आज का दिन जागतिक महिला दिन था, तो महिला दिन के हिसाब से आज हमने जो हमारी महिला उनके लिए स्वयं रोजगार योजना रखी थी, जिसमें हमारी वार्ड के बहुत सारे महिलाओं ने भाग लिया। आज वो खुद मतलब उनका रोजगार के लिए एक उपलब्धि प्राप्त हुई। और युवाओं के लिए खास, ये युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। युवा अपने पास जो आजकल की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो मोबाइल में गुम होके ये कर रही है, तो मोबाइल से उनको बाहर निकल के जो मैदानी खेल है क्रिकेट, जो भी आजकल बहुत फेमस है अपने इंडिया में, उनके लिए हमने ये अंडरम क्रिकेट मैच रखा था, जिसका फर्स्ट प्राइज 15,144 और ये बहुत बड़ी अच्छी ट्रॉफी हमने आयोजन की है। और वो हिसाब से हमने ये प्रोग्राम रखा है और प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे वार्ड के 16 टीम है, वार्ड के हिसाब से हम लोग ने ये प्रोग्राम रखा है। आज देख रहे हैं आप कितने युवा आए हैं, कितने बुजुर्ग आए हैं, कितने महिलाएं आए हैं। आज जागतिक महिला दिन है, महिलाओं को भी हमने सक्षमीकरण के लिए आज अच्छा योगदान दिया है। महिलाओं की इज्जत करो, मान सम्मान करो। युवा पीढ़ी को मेरा यही कहना है कि महिलाओं की इज्जत करो। जो भी आजकल ये बलात्कार विलात्कार जो राज्य में हो रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव करो, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। अपने कंधे से कंधा लगा के आज जागतिक महिला दिन के यही शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि महिलाएं आगे बढ़े और इसी तरह हमारा कार्यक्रम चलते रहेगा। हर साल हम लोग नए कुछ ना कुछ लेके आएंगे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे बेरोजगार युवकों के लिए। हमारी संकल्पना बहुत बढ़िया है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष बबलू पांचा जी, नगर सेविका अनिता पांचा की तरफ से, और हमारे वार्ड अध्यक्ष नैना केशवरा महिला वार्ड अध्यक्ष और मेरी तरफ से आज जागतिक महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बसून जगजीवन पाटलांच्या वाढदिवसाचं निमित्त साधून पाटील साहेबांनी रोजगार मेळावा, महिला मेळावा, महिला गृहउद्योग, आणि आजकालची पिढी जी पबजी वगैरे खेळते, कार्टून पाहते, फेसबुक व्हाट्सअप याच्यावर जी दंग आहे, त्यांच्यासाठी आवर्जून क्रिकेट मॅच ठेवलेली आहे। तरी पाटील साहेबांचा 12 तारखेला बड्डे आहे, त्यांना शुभ वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा।